हे दोस्तों, गुड इवनिंग, दिस इज मुकेश। वेल टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। हाउएवर लेट मी टेल यू व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। गैस खत्म हो गया है, सब्जी पक गई है, मैं समझ गया हूँ, या मैं समझ गया, आम सड़ गया, आम पक गया। वेल दोस्तों, इस तरह का सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलिएगा, आइए हम लोग इसको जानते हैं। स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग देखते हैं। सबसे पहले राइट करेंगे सब्जेक्ट, जो चीज़ खत्म हो रहा है या जो चीज़ पक रहा है। तो सब्जेक्ट को राइट करने के बाद राइट करेंगे गॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद लगा देंगे ऑब्जेक्ट। हो गया हम लोग का स्ट्रक्चर आसानी से डन। आइए सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सीखते हैं। गैस खत्म हो गया, गैस गॉट फिनिश्ड, गैस गॉट फिनिश्ड। इसको हम लोग एक और तरीके से बना सकते हैं, द गैस हैज फिनिश्ड, द गैस हैज फिनिश्ड, या द गैस गॉट फिनिश्ड। मॉडर्न में इसी तरह से बोला जाता है, सब्जी पक गई है, द वेजिटेबल गॉट कुक्ड, द वेजिटेबल गॉट कुक्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं समझ गया हूँ, आई गॉट अंडरस्टूड, आई गॉट अंडरस्टूड, आई गॉट अंडरस्टूड। नेक्स्ट सेंटेंस, आम सड़ गया है, द मैंगो गॉट रोटेन, द मैंगो गॉट रोटेन। आम पक गया है, द मैंगो गॉट राइपन, द मैंगो गॉट राइपन। वेल दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन पर एक बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी हिट कर ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलते रहे और आप डेली कमाल के एडवांस स्ट्रक्चर सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड।